ए मक्खी, तूने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली है, हमारी मुक्ता को बख्श दे। नानी जी, आप बुजुर्ग हैं, आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी कोई भी बात ना कहें जिससे मेरी पत्नी का अपमान। वाह, बहुत मान करते हैं आप अपनी पत्नी का। आपकी पत्नी तो पहले से ही बेशरम है, पर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अपनी पत्नी के कहने से आप मुक्ता के पास जाएंगे उसे फंसाने के लिए। बस कीजिए नानी। बस कीजिए। अगर विष्णु नहीं होते तो हमें वो फाइल्स कभी नहीं मिलती जिनका पापा की जमानत के लिए मिलना जरूरी था। आपने कभी सोचा है आतिशगढ़ जैसे जगह में हम एक अनजान होटल में पूरी रात अकेले कैसे रहते? विष्णु ने हमारी मदद की। सुन लिया, आपका इस तरह से मुक्ता का पक्ष लेना मुक्ता को भी पसंद नहीं। लेकिन नानी, आपको अगर इस बात से आपत्ति है कि मैं और मुक्ता एक रात आतिशगढ़ में रुके, उससे मुझे और मीठी को कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। चलता हूं। चलिए मीठी। रामी रखी। मत, विष्णु ने रोका ना माता जी को तुम्हारे और उनके बारे में, वो गलत बात कर रही थी। तो बहुत अच्छे हैं विष्णु, बहुत समझदार है। मीठी मीठी बहुत नसीब वाली है कि उसे विष्णु जैसे पति मिले। अच्छा लगा जिस तरह से आपने, फर्ज था मेरा। अगर आप नहीं रोकते तो पता नहीं नानी बात को कहां से कहां ले जाती। वो आप पर गलत आरोप लगा रही थी और मुझ पर भी और मुक्ता पर भी। कोई भी जिम्मेदार पति अपनी पत्नी का अपमान होते हुए देख चुप नहीं बैठ सकता। अलग ही एक बात सही है, उन्होंने ही कही पर सही है, वो ये कि आप मुझे और मुक्ता को साथ में लाने की कोशिश कर रही हैं, जो गलत है। मीठी, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? मैं जानता हूं कि मुक्ता ने मुझे 15 दिन की मोहलत दी है, लेकिन अगर आप ऐसे जबरदस्ती करेंगी तो कुछ नहीं होगा। जो आप चाहती हैं, जो मुक्ता चाहती है, नहीं हो पाएगा। हमने घर से निकलते वक्त यही तय किया था ना कि जिस दिन आप सबसे सच कहने की हिम्मत करेंगी उसके बाद ही मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। तब तक हम इस रिश्ते में बंधे हैं। मैं जिनका बहुत मान करता हूं और जिनके बताए रास्ते पर चल रहा हूं, वो आपकी मां है। और ऐसी माँ की बेटी से मैं इतनी उम्मीद तो करता हूं कि वो ऐसी कोशिश अब दोबारा नहीं करेगी।
क्या हम अभी भी इस उम्मीद में रहे कि हमारे विष्णु हमारे पास 15वें दिन से पहले हेलो हेलो मैं एडवोकेट शर्मा बोल रहा हूँ आपके पापा की कल रिहाई हो जाएगी कल कैसे आप कहाँ से बात कर रहे हैं आप हैं कौन किसने हमारी मदद की और हमारी पापा की रिहाई कौन करवा रहा है ये क्या कर रहे हैं आप सबूत जुटला रही हैं इतना तगड़ा केस है कि उम्र कैसे कम की सजा तो होगी ही नहीं ए वकील ये केस हमने तोहार सलाह पे ना ही खड़ा किया तोहार जबान कब चले कब बंद रहे उनके पैसे देते हैं तुम्हार काम है जो हम कहे वो चुपचाप कर ए काले कोट कछु गड़बड़ ना हो काला चश्मा बाइज्जत को जमानत मिल जाए समझा अब केस को कैसे रफा दफा करना है वो का कानूनी दाव पेच है वो सब तू सोच ले जा जा जी अधिक हो चुके हैं बिटवाना ही खो सका था क्या करे बिटवा को वापस लाने के लिए ही सब करना पड़े है वो राठौर को क्या करे माँ की ममता बेबस है बिटवा चाहिए बस वापस अरे पापा हाँ? माँ को देखिए कितनी एंग्शियस हो रही है पापा के लिए अगर आपको लग रहा है कि पापा आते ही आप उन्हें गले लगा लेंगे तो आप ठीक है ना आप मिल सकती है माँ ऐसा कुछ नहीं वेलकम होम पापा चलिए अंदर थैंक यू अरे भाई कितनी बेसब्र थी तपस्या आपने वो पल मिस किया जब डॉक्टर साहब मुझे तो कभी कभार लगता है कि मैंने पूरी जिंदगी ही मिस कर दी खैर पर अब शायद जिंदगी जीने का वक्त आ गया
कहाँ बेटे? शायद नियति ने आज का दिन तय किया था, वरना कितनी कोशिश की थी हमने। ये नियति के बारे में मैं नहीं जानता ठाकुर साहब, पर सही और गलत की लड़ाई नहीं हारता मैं। जो गलत वक्त था वो बीत गया, अब सही वक्त आएगा।